नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। सो हे हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ सारे ठीक होंगे। सो गाइस यार, आ गया हूँ एक और नई वीडियो एडिटिंग के साथ। सो इस वाले वीडियो में आपको जो प्रीव्यू में वीडियो देखा उस वाली वीडियो के एडिटिंग करेंगे, बट उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी हमारे चैनल पे नए हैं अभी तक, तो गाइस यार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा मेरे को। एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वरना डिसलाइक भी कर सकते हो। सो गाइस यार आपके हाथों में जो मर्जी करके जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड गाइस यार हाँ, इस वीडियो में आपको पासवर्ड देखने को मिलेगा 4 डिजिट में, ठीक है? तो इजीली से आप वीडियो को एंड तक देखें एंड पासवर्ड आपके आंखों के सामने होगा, ठीक है? देन आपको करना लाइट मशीन को ओपन करना एंड यहाँ पे आपको सारे प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करना, एक ही प्रोजेक्ट है, बीट मार्क एंड शेक इफेक्ट बीच में ही है, ठीक है? तो आपको क्या करना, सबसे पहले यहाँ मशीन को ओपन करेंगे एंड प्लस के राइट समय प्रोजेक्ट का ऑप्शन होगा, तो उस पर जाएंगे एंड पहला आपको बीट मार्क वाले प्रोजेक्ट का कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा, जहाँ की इस टाइप से आपको लेयर्स वगैरह होंगे एंड बीट मार्क लगे होंगे, ठीक है गाइस? सो इन पे यहाँ पे आपको फोटोज को इंपोर्ट करना है, बट फोटोज इंपोर्ट करने से पहले हमें फोटोज को क्रॉप करना पड़ता है इसी रेशो में। तो आपको रेशो तो पता चल ही गया होगा, अगर नहीं पता चला तो आपको सेटिंग पे टैप करना और यहाँ से 90:16 वाला ये जो ग्रीन हुआ होना ये वाला रेशो है, ठीक है? तो इसी रेशो में आपको क्रॉप करना है। सो उसके लिए आपको इस वाले प्रोजेक्ट से बैक आना है, देन प्लस वाले ऑप्शन पर टैप करना एंड यहाँ से ये वाला रेशो को ले लेना, देन क्रिएट प्रोजेक्ट पर टैप करना एंड यहाँ पे प्लस वाला ऑप्शन दिख रहा है उस पर टैप करेंगे एंड यहाँ से मीडिया वाला ऑप्शन दिख रहा है उस पर टैप करेंगे एंड यहाँ से आपको गाइस क्या करना है, यहाँ से आपको सिंपल से आ जाना अपने जहाँ पे भी फोटोज डाउनलोड करके रखा हुआ उस वाले फोल्डर में, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ इस ये स्टेप्स आपको फोटोज वगैरह देखने को मिलेंगे, तो इन्हीं फोटोज को आपको क्रॉप करना है। सो क्रॉप कैसे करना, सिंपल से फोटो पे टैप करना एंड थ्री डॉट पे टैप करके फील कॉम्पोजिशन एरिया करना एंड स्टेप से आपको सेट करना मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके एंड आपको राइट सेटिंग के रहे आइकन उस पर टैप करना एंड करंट फ्रेम एंड पीएनजी पे टैप करके एक्सपोर्ट पे जैसे टैप करोगे तो इसी फ्रेम में ये क्रॉप हो गया आ जाएगा। देन सिंपल से सेव पे टैप करना, क्लोज करना है और इसको डिलीट करके सेकंड फोटो को इंपोर्ट कर लेना। तो सेकंड फोटो को इंपोर्ट किया, थ्री डॉट पे टैप करके फील कॉम्पोजिशन एरिया गाइस एंड थोड़ा सा स्लाइड करके आगे की ओर जाएंगे और यहाँ पे आपको सेटिंग के रहे आइकन उस पर टैप करेंगे, करंट फ्रेम एज पीएनजी पे टैप करके एक्सपोर्ट पे टैप कर देंगे। सो इसी टाइप से गाइस आपको थोड़े फोटोज को क्रॉप कर लेना है। फोटोज क्रॉप करने के बाद आपको इस वाले प्रोजेक्ट से बैक आना एंड यहाँ पे आ जाना अपने बीट मार्क वाले प्रोजेक्ट में एंड देन स्लाइड करके नीचे की ओर जाएंगे एंड जहाँ लेयर पे आपको फोटो लिखा हुआ जिन जिन लेयर पे उन पे आपको इमेज को इंपोर्ट करना। सो कैसे करेंगे, आपने सिंपल से इस पर टैप करना एंड देन गाइस यहाँ पे कलर एंड फिल के ऑप्शन में जाना एंड यहाँ पे ये वाला ऑप्शन ना गाइस स्टार वाला, सो उस पर टैप करेंगे एंड देन यहाँ से आपको यहाँ से फोटोज नहीं सेलेक्ट करना, यहाँ पे आपको लाइट मोशन का फोल्डर ओपन करना एंड यहाँ से इमेज को सिलेक्ट करके एंड देन प्लस वाले ऑप्शन पे टैप कर देना। सो देख सकते कुछ इस टाइप से आ जाएगा एंड यहाँ पे जो लाइट है उसको चेंज करने के लिए आपको इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाना एंड इलेक्ट्रिक एजिस को ऑन करके और यहाँ से आपको ग्लो कलर को या फिर यहाँ पे ये जो कलर है इनको छेड़ के ना आप इजिली से अपना कलर जो है इंपोर्ट कर सकते हो। सो देख सकते गाइस हमने थोड़ा सा चेंज किया एंड इसी टाइप से आपको और भी थोड़ा सा छेड़ना एंड अपने मनपसंद कलर को ला सकते हो, ठीक है गाइस? देन आपको फिर से यहाँ पे भी फोटोज है तो यहाँ पे भी हम टैप करेंगे लेयर है एंड देन यहाँ पे कलर एंड फिल के ऑप्शन में जाके एंड सेलेक्ट मीडिया पे टैप करेंगे स्टार वाले आइकन पे, उस पर टैप करने के बाद यहाँ से अगले फोटो को सिलेक्ट करेंगे एंड प्लस वाले ऑप्शन पे, देन स्लाइड करके वापस से जाएंगे एंड यहाँ से थर्ड वाला, ठीक है? तो यहाँ पे हम थर्ड वाले फोटो को भी इंपोर्ट कर लेते हैं इसी टाइप से एंड देन गाइस आपको स्लाइड करके वापस आगे की ओर जाना एंड यहाँ पे फोर्थ, तो यहाँ पे वापस से हम टैप करके एंड यहाँ से कुछ इस वाले फोटो को इंपोर्ट कर लिया एंड देख सो कुछ इस टाइप से आ जाएगा। और यहाँ पे अगर इस टाइप से आपको लेयर हो रहा ना तो यहाँ पे आपको इस वाले ऑप्शन पे टैप करना एंड इस टाइप से आपको थोड़ा फोटो को सेट करना होगा, ठीक है? एंड इस टाइप से अगर भी सेट नहीं होना आपका फोटो तो एक और मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है? तो पहले मैं इस टाइप से कर लेता हूँ और ये फाइनली मेरा इस टाइप से हो गया, ठीक है?
तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से किया है एंड यहाँ पे थोड़ा सा आपको पंगा देखने को मिल जाएगा इस सभी बिट मार्क पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने किया और यहाँ पे इस टाइप से नहीं ना हो रहा, तो उसके लिए आपको क्या करना, सिंपल से इस वाले ड्यूरेशन में आ जाने के बाद आपको प्लस वाले ऑप्शन पे टैप करना, मीडिया का ऑप्शन में जाना गाइस एंड यहाँ पे फोटो सेलेक्ट करना एंड यहाँ पे जाने के बाद एरो पे टैप करके अगले बिट मार्क पे जाना, इस वाले ऑप्शन पे टैप करके इस टाइप से बिट मार्क को यहाँ लाना एंड देन गाइस यहाँ पे टैप करना, ठीक है। कुछ इस टाइप से सेलेक्ट करना लेयर को एंड स्लाइड करके इसको नीचे को और ले जाना एंड जस्ट जहाँ पे वो लेयर था ना बस उसके ऊपर आपने यहाँ उसको ले आना एंड देन उसका इफेक्ट कॉपी करके इस पर पेस्ट कर देना एंड देन गाइज यहाँ पे हम बता देते हो कैसे कॉपी पेस्ट करना, इस पर टैप करना एंड देन इफेक्ट के ऑप्शन में जाकर थीटर पे जाकर कॉपी करना एंड यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना, बस आपका काम खत्म हो गया। देन इसको नीचे वाले लेयर को डिलीट कर देना। सो गाइज कुछ इस टाइप से कर लें एंड देन गाइज यहाँ पे जितने सारे भी लेयर्स हैं ना उन सब पे आपको ईजिली से जैसे रिप्लेस किया था अभी उसी टाइप से आपको इमेज सबको रिप्लेस कर लेना। सो गाइज यार कुछ इस टाइप से वीडियो को बना लें एंड एक्सपोर्ट करने के लिए आपको सेटिंग पे टैप करना एंड यहाँ पे फ्रेम रेट देखिएगा गाइज, इसको आप फुल करें अपने फोन के हिसाब से देख सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ फुल कर रहा हूँ एंड देन उस पर टैप करें, वीडियो पे टैप करें, एक्सपोर्ट पे टैप करोगे तो एक्सपोर्टिंग पे लग जाएगा। सो गाइस कुछ इस टाइप से वीडियो को बना लें, एक्सपोर्ट कर ले, कैसी लगेगा इसकी वीडियो गाइस नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो इस लगे तो वीडियो को लाइक करें, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। सो मैं मिलता हूं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए।